स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दक्षता अकेडमी पर। तो आज हम बायोलॉजी का मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक करने वाले हैं, जो है आपका प्लांट टिश्यूज या पादप उत्तक। वैसे तो बायोलॉजी की मैक्सिमम वीडियोस हम कवर कर चुके हैं, जो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ टॉपिक हमारे छूट गए थे जिन्हें हम एक एक करके अब पूरा कर लेंगे। और उन्हीं में से एक टॉपिक है आपका प्लांट टिश्यूज या पादप उत्तक, जिसके बारे में आज हमें पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस टॉपिक को हम समझेंगे एनिमल टिश्यूज या जंतु उत्तक से रिलेट करके, जिसे हम पहले पढ़ चुके हैं। तो एनिमल टिश्यूज या जंतु उत्तक में हमने पढ़ा था कि आप जंतुओं की, या फिर आप कह सकते हैं कि मानव शरीर में जो आपके शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है, वह क्या कहलाती है? आपकी कोशिका या सेल। तो ह्यूमन बॉडी या एनिमल्स की जो सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है, वह आपकी सेल या कोशिका। और इन्हीं कोशिकाओं का एक समूह, तो ये सभी आपकी कोशिकाएं हैं, और यह कोशिकाओं का एक समूह है जिनमें से इन सभी कोशिकाओं की जो उत्पत्ति है, संरचना है और कार्य है, वह एक समान है। तो इस तरह यह जो कोशिकाओं का समूह क्या बनाता है? एक उत्तक या टिश्यू का निर्माण करता है। तो उत्तक या टिश्यू क्या है? उत्तक आपका कोशिकाओं का एक समूह है जिनकी संरचना, उत्पत्ति एवं कार्य जो है एक समान होता है। यानी कि टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सेम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो ये है आपका कोशिका और उत्तक के बारे में। थोड़ा सा हमने पृष्ठभूमि देख लिया, और इसी उत्तक के ऊपर आज का हमारा जो प्लांट टिश्यूज है वह डिपेंड है। तो आगे देखते हैं। तो जैसे कि हमने एनिमल टिश्यूज या जंतु उत्तक में देखा था कि आपके जो एनिमल टिश्यूज हैं वे आपके चार टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। उसी तरह से आपका जो प्लांट टिश्यूज या पादप उत्तक है वह भी दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक है आपका मेरिस्टमैटिक टिश्यू। पहले इंग्लिश में लिख लेते हैं, फिर हम हिंदी में बता देंगे। मेरिस्टमैटिक टिश्यू, और दूसरा है आपका परमानेंट टिश्यू। और हिंदी में इन्हें हम कहते हैं विभाज्य उत्कीय उत्तक, एवं परमानेंट टिश्यू को कहते हैं आप स्थायी उत्तक। तो इनमें क्या डिफरेंस है? सबसे पहले तो ये देखें, तो जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, तो नाम से ही पता लग रहा है वे उत्तक जिसमें जीवन पर्यंत विभाजन करने की क्षमता हो, यानी कि वे उत्तक या टिश्यूज जो कि जीवन पर्यंत जो है पूरी जो आपके प्लांट है उसके पूरे लाइफ स्पैन में वे टिश्यूज जो कि आपका विभाजन या सेल डिविजन कर सकते हो, और साथ में उनमें पूरे जीवन में जो विकास एवं वृद्धि हो, तो उन टिश्यूज को हम क्या कहते हैं? मेरिस्टमैटिक या विभाज्योत्कीय उत्तक, यानी कि वे उत्तक जो कि जिसमें जीवन पर्यंत आपके विभाजन करने की क्षमता हो, जिसमें हमेशा जो है आपका पौधे में विकास एवं वृद्धि के लिए उत्तरदायी जो टिश्यूज होते हैं, उत्तक होते हैं, उसे हम कहते हैं विभाज्योत्कीय उत्तक या मेरिस्टमैटिक टिश्यूज। तो इनमें अगर हम देखें तो हमने देखा कि इसमें विभाजन, और विभाजन किसका? कोशिका का, या फिर जो आप कह सकते हैं कि उत्तक का विभाजन या सेल डिवीजन। तो हमने देखा कि सेल डिवीजन या जो कोशिका विभाजन है वो मेरिस्टमैटिक टिश्यूज में जीवन पर्यंत रहता है, जबकि परमानेंट टिश्यूज में ऐसा नहीं होता। यानी कि परमानेंट टिश्यू या स्थायी उत्तक वे होते हैं जो कि जिनमें जीवन पर्यंत जो है आपका विभाजन करने की क्षमता नहीं होती, यानी कि ये पूरे जीवन में, यानी कि पूरे समय ये टिश्यूज, इनमें सेल डिवीजन नहीं होता रहता। यानी कि ये प्लांट में, पौधों में पाए जाने वाले वे टिश्यूज है जो कि पौधों में निर्माण करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो ये कौन सा निर्माण करने के उत्तरदायी है वो हमें आगे चलकर देखेंगे। जैसे कि आपका अगर हम देखें जाइलम और फ्लोएम टिश्यू,
ये आपके प्लांट टिश्यूज है, प्लांट जो पादप उत्तक है, जो कि स्थाई है, यानी कि इनमें आगे विभाजन करने की क्षमता नहीं है। ये केवल इनका यानी कि जाइलम टिश्यूज का निर्माण करते हैं, जिसका कार्य हम देखेंगे कि ये क्या कार्य करते हैं आपके पौधे में, जो पौधे के हर एक भाग तक जो पानी पहुँचाने का कार्य है, जड़ से पौधों तक में पानी पहुँचाने का काम करते हैं आपके जाइलम टिश्यू। तो ये हम देखेंगे जाइलम टिश्यूज का ये निर्माणकारी कुछ काम होता है, इसमें ये आगे विभाजन नहीं कर पाते। तो वे टिश्यूज जिसमें विभाजन करने की क्षमता जीवन पर्यंत नहीं होती, वे आपके कहलाते हैं आपके स्थाई उत्तक या परमानेंट टिश्यू, जबकि मेसमेटिक टिश्यू में आपके जीवन पर्यंत विभाजन करने की क्षमता रहती है। तो ये आपका मेन डिफरेंस। तो स्थाई उत्तक का मतलब भी हो गया परमानेंट हो जाते हैं, यानी कि एक बार इनका निर्माण हो जाता है तो उसके बाद इनमें विभाजन नहीं होता। और जो परमानेंट टिश्यू या स्थाई उत्तक का जो निर्माण है आपका मेसमेटिक टिश्यू से ही होता है, यानी कि विभाजकीय उत्तक में जब सेल डिविजन या इन उत्तकों का जब विभाजन होता है तो परमानेंट टिश्यू या स्थायी उत्तक का निर्माण होता है। और एक बार जब स्थायी उत्तकों का निर्माण हो जाता है तो इनमें आगे विभाजन करने की क्षमता नहीं रहती, और जिनके जो टाइप है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में केवल हम विभाजकीय उत्तक के बारे में पढ़ने वाले हैं कि आगे इसकी कौन सी सब टाइप्स है। तो देखते हैं, तो विभाजकीय उत्तक में हम देखें तो ये आगे चलकर यह आगे तीन टाइप का है। कौन कौन से? एक है आपका एपिकल मेरिस्टमेटिक टिश्यू, इंग्लिश में लिख लें, बाद में हिंदी में लिख लेंगे हम। उसके बाद है एपिकल लेटरल मेरिस्टमेटिक टिश्यू, और तीसरा है इंटरकैलरी मेरिस्टमेटिक टिश्यू। हिंदी में लिख लें, एपिकल मेरिस्टमेटिक टिश्यू को हिंदी में हम कहते हैं शीर्षस्थ विभाज्योत्तकीय उत्तक, यह है आपका पार्श्व विभाज्योत्तकीय उत्तक, और इंटरकैलरी है आपका अंतर्वेशी विभाज्योत्तकीय उत्तक। तो ये हैं आपके तीन प्रकार के मेरिस्टमेटिक टिश्यू या विभाज्योत्तकीय उत्तक जो कि प्लांट्स में पाए जाते हैं। और तीनों की खास बात क्या है कि तीनों ही जो है आपके जीवन पर्यंत इनमें विकास या वृद्धि होती रहती है, यानी कि जीवन पर्यंत इनमें विभाजन करने की क्षमता होती है, क्योंकि ये मेरिस्टमेटिक टिश्यू के ही प्रकार है। तो अब इनका काम क्या होता है, मुख्य रूप से हमें ये देखना है। तो मेन चीज को मिटा रही है, तो ये तीनों है आपके मेरिस्टमेटिक टिश्यू या जो आपका विभाजकीय उत्तक है उसके प्रकार है। अब हम देखते हैं कि पौधों में ये कहाँ पाए जाते हैं और इनका कार्य क्या होता है। तो मान लीजिए ये आपका कोई पौधा है, तो ये आपका पौधा है, तो और इस पौधे में जो आपका सबसे पहले हम देखेंगे कि एपिकल या शीर्षस्थ जो आपका विभाज्योत्तकीय उत्तक है यह कहाँ पाया जाता है। तो एपिकल नाम से पता लग रहा है कि ये जो टिश्यू है आपका शीर्ष पर पाया जाएगा। तो शीर्ष पर यानी कि आपके प्लांट का जो टिप है वहाँ पर, यहाँ पर आपका एपिकल या शीर्षस्थ जो विभाज्योत्तकीय उत्तक मिलेगा। और इसके साथ ही यह जो टिश्यू है आपके, ये प्लांट की जड़ें हैं, तो जड़ों के टिप पर भी आप देखेंगे तो ये आपकी जड़ों के टिप पर भी आपका ये टिश्यू मिलता है। तो शीर्षस्थ विभाज्योत्तकीय उत्तक आपका कहाँ मिलेगा? प्लांट के टिप पर, यानी कि जो उसका तना है उसके शीर्ष पर, तने के शीर्ष पर, और साथ ही जो आपके जड़े हैं उनके जो तने के टिप पर आपका शीर्षस्थ विभाज्योत्तकीय उत्तक या एपिकल मेरिस्टमेटिक टिश्यू मिलता है। यानी कि इसका कार्य क्या होगा, आप काम इसे देखकर बता सकते हैं कि क्योंकि यह आपके प्लांट के
टिप पर उपस्थित होता है, इसलिए यह आपका जो पौधे की जो ग्रोथ के लिए यानी कि पौधे की लंबाई के लिए उत्तरदायी है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पौधे की लंबाई के लिए कौन सा टिश्यू प्लांट का उत्तरदायी होता है, तो आपका आंसर होगा शीर्षस्थ विभाज्योत्कीय उत्तक। और जैसे ही आपको अगर प्लांट का हम अगर टिप काट दें, यानी कि अगर आपका यहाँ से हम प्लांट काट दिया जाए, तो ये आपका जब इसका या टिप पर यहाँ पर आपके एपिकल मेस्टमेटिक टिश्यू उपलब्ध था, अब जब एपिकल मेस्टमेटिक टिश्यू ही नहीं रहेगा, अगर ये हम इसे काट ही देंगे तो क्या होगा, प्लांट की जो आपकी लंबाई है वह अवरुद्ध हो जाए, यानी जो प्लांट की जो लंबाई है वह आगे बढ़नी बंद हो जाएगी। तो ये था आपका शीर्षस्थ एपिकल टिश्यू के बारे में, जो कि आपका प्लांट के टिप पर जो तना है उसके टिप पर और जड़ के टिप पर उपलब्ध होता है, जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए उत्तरदायी होता है। और जब इसको काट दिया जाए तो जो आपके पौधे की जो ग्रोथ है वह अवरुद्ध हो जाती है। तो ये था एपिकल के बारे में। दूसरा है आपका लेटरल मेरिस्टमेटिक टिश्यू या पार्श्व विभाज्योत्कीय उत्तक। तो यह जो आपका टिश्यू है यह कहाँ मिलता है, तो यह जो टिश्यू है यह पौधे की जो चौड़ाई है उसके लिए उत्तरदायी है। तो ये मान लीजिए तो पार्श्व लेटरल, तो पौधे की जो ये यानी कि जो पौधे की चौड़ाई है उसके लिए लेटरल पार्श्व जो आपका लेटरल मेरिस्टमेटिक टिश्यू उत्तरदायी है। तो मान लीजिए आपका ये पेड़ का तना है, इसको हमने ऐसे काट लिया, तो पेड़ का तना हम ऐसे काट के देखेंगे तो यह जो लेटरल मेरिस्टमेटिक टिश्यू है यहाँ उपलब्ध होता है, जो कि इसकी जो चौड़ाई को बाहर की ओर बढ़ाता रहता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो पेड़ का जो तना है उसकी जो चौड़ाई बढ़ने के लिए, उसके पेड़ का जो तना जब मोटा होता है उसके मोटे होने के लिए या फिर उसकी चौड़ाई बढ़ने के लिए कौन सा टिश्यू उत्तरदायी है, तो उसके लिए आपका उत्तरदायी है लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या पार्श्व विभाज्योत्कीय उत्तक, जो कि पेड़ का पार्श्व का इसका जो मुख्य काम है पौधे की चौड़ाई में सहायक है, पौधे की जो चौड़ाई की जो वृद्धि करने के लिए यह आपका टिश्यू कार्यरत होता है। उसके बाद है तीसरा टिश्यू इंटरकैलरी मेस्टमेटिक टिश्यू या अंतर्वेशी विभाज्योत्कीय उत्तक। तो इसको हम देखते हैं कि ये कहाँ प्रेजेंट होता है। तो यह जो उत्तक है आपकी नई शाखाओं को पैदा करने के लिए उत्तरदायी है। तो आपके तने में नई शाखा उगती है उसके लिए यह जो उत्तक है कार्यरत होता है नई शाखा निर्माण। कैसे अब देख ले, तो ये देखे यहाँ से आपकी नई शाखा निकल रही है, तो जहां पे से आपकी नई शाखा निकल रही है यहाँ पर आपका ये वाला टिश्यू कौन सा होगा, आपका इंटरकैलरी मेरिस्टमेटिक टिश्यू। तो जो आपका इंटरकैलरी मेरिस्टमेटिक टिश्यू वहां उपस्थित होता है जहां आपकी नई शाखा उगती है। इसी तरह ये आपकी नई शाखा है तो यहाँ भी जो टिश्यू होगा वह कौन सा होगा, इंटरकैलरी मेरिस्टमेटिक टिश्यू यानी कि अंतर्वेशी विभाज्योत्कीय उत्तक। इसी तरह अगर आपके यहाँ पर कोई शाखा निकलती है तो यहाँ पर भी जो टिश्यू आपका प्रेजेंट होगा वह आपका अंतर्वेशी विभाज्योत्कीय उत्तक उपस्थित होगा। यानी कि इंटरकैलरी मेरिस्टमेटिक टिश्यू पौधे में वहाँ पाया जाता है जहाँ आपकी नई शाखाएं उगती हैं, यानी कि नई शाखाएं वहीं उगती हैं जहाँ आपका अंतर्वेशी विभाज्योत्कीय उत्तक पाया जाता है। तो ये था अंतर्वेशी विभाज्योत्कीय उत्तक के बारे में। अब थोड़ा ओवरव्यू कर लेते हैं। तीन टाइप हमने स्टार्टिंग में देखा कि दो टाइप के होते हैं, मेस्टमेटिक विभाज्योत्कीय और एक होता है स्थायी यानी कि परमानेंट। परमानेंट के बारे में हम बाद में देखेंगे, पहले हम मेरिस्टमेटिक के बारे में देखा जो कि तीन टाइप का है। इसमें से शीर्षस्थ या एपिकल प्रेजेंट होता है पौधे की टिप पे और जड़ों के टिप पे, जो पौधे की ग्रोथ के लिए उत्तरदायी होता है, पौधे की वृद्धि एवं विकास के लिए उत्तरदायी होता है। और अगर आपके टिप से यह काट दिया जाए तो पौधे की जो ग्रोथ है वह अवरुद्ध हो जाती है। उसके बाद पार्श्व या लेटरल मेरिस्टमेटिक टिश्यू उत्तरदायी होता है पौधे की चौड़ाई के लिए। तो जो पौधे की जो गर्थ है चौड़ाई में वृद्धि होती है उसके लिए आपका पार्श्व विभाज्योत्कीय उत्तक उत्तरदायी है। और तीसरा है आपका अंतर्वेशी विभाज्योत्कीय उत्तक, और यह जो जहां उत्तक प्रेजेंट होगा वहां से आपके तने से नई शाखाएं उगती हैं। तो ये थी तीन प्रकार की मेरिस्टमेटिक टिश्यू। इसी से रिलेटेड है आपका एक टिश्यू कल्चर या उत्तक संवर्धन, जिसके बारे में एक और हम देख लेते हैं। तो मैंने बोला टिश्यू कल्चर, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं,
उत्तक संवर्धन। तो ये क्या होता है देख ले, तो टिश्यू कल्चर या उत्तक संवर्धन एक प्रकार की विधि है, यानी कि एक प्रकार की यह आर्टिफिशियल विधि है जिसमें कि आपके पौधों को, पौधों की एक कोशिका प्राप्त की जाती है, यानी कि किसी भी पौधे की कोशिका को निकाल लिया जाता है और इस कोशिका की जो है मल्टीपल कॉपीज बना दी जाती है जिससे आपके कई प्लांट क्लोन हमें कम समय में प्राप्त हो जाते हैं। वैसे तो पौधे के जो विकास करने में, पौधों को उगाने में बहुत समय लग जाता है, लेकिन जो आपकी टिश्यू कल्चर उत्तक संवर्धन है यह एक ऐसी विधि है जिसके माध्यम से हम पौधों की एक कोशिका को लेते हैं और उस कोशिका से कम समय में कई प्लांट क्लोन या पौधों की जो प्रजातियां हैं वह प्राप्त कर पाते हैं। लेकिन जो ये प्लांट क्लोन या जो पादप जो आपकी प्रजातियां हैं यह प्राप्त की जाती है आपके एक प्रकार की प्रयोगशाला विधि से, जो कि है आपकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक प्रजनन विधि। तो अलैंगिक प्रजनन विधि ये एक प्रकार की आपकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसमें यह, और एक यह प्रयोगशाला में विधि होती है, यानी कि लैबोरेटरी में यह टिश्यू कल्चर होता है जहां आपकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक प्रजनन से पौधों से प्राप्त कोशिका से कई जो आपके प्लांट क्लोन या कई प्रकार के पौधों की प्रजातियाँ कम समय में तैयार कर ली जाती है और आपके नियंत्रित तापमान में। तो इस विधि को हम क्या कहते हैं, टिश्यू कल्चर या उत्तक संवर्धन कहते हैं। लेकिन खास बात क्या है, टिश्यू कल्चर के लिए जो पौधों की कोशिका जो या उत्तक की जो प्राप्ति की जाती है वह उत्तक जो या कोशिका की प्राप्ति केवल कौन से टिश्यू से की जाती है, आपके विभाज्योत्कीय उत्तक से। तो केवल जो आपका मेरिस्टमेटिक टिश्यू है केवल उन्हीं टिश्यू से आपका, उन्हीं टिश्यू से हम प्लांट क्लोन की जो आपके कई पादपों की प्रजातियां प्राप्त कर सके हैं अलैंगिक प्रजनन विधि के माध्यम से। क्यों? क्योंकि विभाज्योत्कीय उत्तक में ही यह उनकी क्षमता होती है कि ये जीवन पर्यंत ये जो है आपके विभाजन करने की इनमें क्षमता होती है। अगर हम विभाज्योत्कीय उत्तक की जगह पर अगर हम स्थायी उत्तक को ले लें तो स्थायी उत्तक की विशेषता क्या होती है कि उनमें विभाजन करने की क्षमता नहीं होती, केवल उनमें निर्माण करने की क्षमता होती है। तो इसलिए आपके टिश्यू कल्चर के लिए जहां आपको अन्य जो प्लांट की प्रजातियां कम समय में प्राप्त करनी होती हैं उसके लिए आपको विभाज्योत्कीय उत्तक या मेस्टमेटिक टिश्यू की जरूरत होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, यह विधि आपकी कहलाती है टिश्यू कल्चर या उत्तक संवर्धन। तो ये था आपका पूरा मेरिस्टमेटिक टिश्यू या विभाज्योत्कीय उत्तक के बारे में। अगला हमें पढ़ना है आपका प्लांट टिश्यू का दूसरा भाग, यानी कि जो है आपका परमानेंट टिश्यू या स्थायी उत्तक के बारे में, जिसके बारे में हम मोटा मोटा देख लेते हैं कि क्या है, और पूरा जो है उसे हम अगली वीडियो में करेंगे। तो परमानेंट टिश्यू या स्थायी उत्तक आपका दो प्रकार का होता है, कौन सा, सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, या फिर आप कहें सरल स्थायी उत्तक और दूसरा है जटिल स्थायी उत्तक। और इनमें भी जटिल स्थायी उत्तक आगे दो प्रकार का है, कौन कौन सा, जाइलम और फ्लोएम, जबकि सरल स्थायी उत्तक है यह तीन प्रकार का है आपका, कौन कौन सा आपका है, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा, जिसमें से पेरेन्काइमा को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, मृदु स्थायी उत्तक। आपका कोलेन्काइमा या स्क्लेरेन्काइमा पहले लिख लेते हैं, स्क्लेरेन्काइमा कहलाता है दृढ़
स्थायी उत्तक और यह कहलाता है स्थूल कोण। तो कोलन काइमा को हिंदी में हम क्या कहते हैं, स्थूल कोण स्थायी उत्तक। तो ये एक पूरा फ्लो चार्ट है परमानेंट टिश्यू, जो कि आपके प्लांट टिश्यू के दूसरे टाइप है जिसके बारे में हमें पढ़ना है। यह दो टाइप का है, सरल स्थायी उत्तक, जटिल स्थायी उत्तक, जो कि आपके अन्य भागों में विभाजित है। ये आपके जाइलम और फ्लोएम, ये आपके विभाजित है पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, या मृदु स्थायी उत्तक, स्थूल कोण सरल स्थायी उत्तक और दृढ़ सरल स्थायी उत्तक। तो ये था पूरा आपका आज पहला लेक्चर प्लांट टिश्यूज के बारे में। अगली वीडियोज में हम पूरा परमानेंट टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच।